नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। कृषि बिल वापस करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज भारत बंद का असर सीतामढ़ी में भी देखने को मिला। एक ओर पूरे देश में विरोधी पार्टियों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका मिला जुला असर सीतामढ़ी में भी देखने को मिला। सीतामढ़ी में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के साथ साथ अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सीतामढ़ी बंद कराने के प्रयास में रैली निकालकर नाराबाजी की और चौक चौराहों से होते हुए मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और नाराबाजी करने लगे। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि पूरे सीतामढ़ी में कहीं भी किसी प्रकार का बंद का असर नहीं दिखा है और विरोधियों का बंद फेल हो चुका है। अब सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। मैं संघीय जनता मंच का प्रेसिडेंट हूँ और मैं इस किसान आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था तब से आंदोलन के साथ हूँ और अंतिम दम तक इस किसान के लिए मैं लड़ता रहूँगा। जबकि तीनों काला कानून नरेंद्र मोदी वापस ना करे, भले हमको 2024 तक बैठना पड़े, लेकिन 2024 तक किसानों के साथ बैठेंगे। इस काला कानून को वापस करवा के रहेंगे। ये जो महंगाई जो 100 रुपये से 125 रुपये पेट्रोल के दाम होने जा रही है, इसके लिए भी हम नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी जो आज देश के अंदर गरीबों को सताने का काम कर रहा है, ये बहुत ही गंदी बात है। ये बहुत ही ओछी राजनीति हो रही है। जो सब चीज जो हमारा के प्राइवेट के हवाले करके चला जा रहा, आज प्लेटफॉर्म प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया है। आप जाके देखिए तो प्लेटफॉर्म पर नहीं घूम सकेंगे, न वहाँ पर रह सकेंगे, न एक मिनट चल सकेंगे। आज जो व्यवस्था बना के नरेंद्र मोदी रख रहा है, पूरा हिंदुस्तान का जनता त्रस्त है, पूरा हिंदुस्तान की जनता विरोधी है, पूरा हिंदुस्तान का जनता परेशान है। मैं अपनी ओर से मांग करता हूँ कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि ये तीनों काला कानून को वापस ले। नहीं लेने पर मैं 2024 तक इस लड़ाई को जिंदा रखूंगा। धन्यवाद।